सरगुजा राजघराने पर अंबिकापुर के बीजेपी पार्षद आलोक दुबे ने सरकारी जमीन बेचने और कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस आरोप को स्वास्थ्य मंत्री टीएससी देव ने एक घिनौना बताया है। रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आने वाले हैं और टीएस बाबा को उनके सामने नीचा दिखाना है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा, ये वह कड़ी है जिसके तहत किसी को बताया गया कि उन्हें मुझसे जान का खतरा भी है, ये वही लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के सामने और प्रदेश की जनता के सामने उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही उनके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई शासकीय संपत्ति नहीं है जिस पर मैंने कब्जा किया हो। बाबा दादाओं से यही सीख मिली है कि जितना है उसमें रहना सीखो। और दुर्भाग्य है, प्रजातंत्र का एक स्वरूप है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, नियम है, कानून है, मानहानि के दावे हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्य ये होता है कि पहले कह के एक वातावरण, गलत प्रकार का वातावरण बनाने का लोग प्रयास करते हैं। मैं इसे उसी श्रृंखला की बात देख रहा हूँ जो किसी से कहलवाया गया था कि उनको मेरे से जान का खतरा है। ये वही लोग हैं, वही सोच के लोग हैं जो राहुल जी के आने के ठीक पहले एक और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से राहुल जी के सामने, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने मेरी छवि पे विपरीत प्रभाव पड़े। वरना मेरे पास कोई शासकीय संपत्ति नहीं है जिसका मैंने कब्जा किया है, और बाप दादाओं से भी यही सीख मिली कि जितना है उसमें रहना सीखो। और राज परिवार के थे तो ऐसा भी नहीं था कि कमी है। जमीन जायदाद भारत सरकार के साथ जो समझौते हुए थे उसके अनुरूप उतनी थी। अब ये भी प्रयास कर रहे हैं कि केवल संपत्ति बेच बेच के ही काम ना चलाएं, कुछ काम भी करें, कुछ बिजनेस में भी भाग ले सकें, ताकि आने वाले समय में जो परिवार है वो बेच बेच की एक सीमा होती है कि कब तक काम चलाएगा। यही हम लोगों की जीवन शैली अभी तक रही है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि ये स्वावलंबी ना हो जाए, अपने संपत्तियों का उपयोग करके कहीं ये आर्थिक रूप से स्थिर हो गए तो एक और इनकी कमजोरी दूर हो जाएगी, चली जाएगी एक और कमजोरी। हम लोग का परिवार, नाम के लिए हम लोग राजा महाराजा के परिवार से हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति हम लोग की कभी बहुत सुदृढ़ नहीं रही, वो एक अलग बात है। जो मिला, जो विरासत में मिला बहुत है, नाम मिला उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और उसके बाद हमेशा यही प्रयास किया है कि अपनी जितनी चादर है उतने में ही पाँव फैलाएं, और कहीं कोई ऐसी बातें उठाते हैं तो सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, आप देख सकते हो, कोई देखना चाहे देख सकते हो। इन्वेंट्री क्या होती है लोगों को तो मालूम भी नहीं है। राजाओं के जब राज गए तो किस प्रकार की संधियां हुई उस पर भी लोगों ने टिप्पणी कर दी कि संधि बदलती नहीं है। उनको यही नहीं मालूम है कि संधि के बदलने की बात नहीं है, संपत्तियों को लेके जो पत्राचार चलता रहा है 1960 के दशक तक चलता रहा है। हमने कहा कि हमको ये दे दीजिए, सरकार ने कहा कि नहीं हम ये नहीं देंगे, हम ये देंगे, फिर हमारे तरफ से कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा विचार कर लीजिए। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। ये तो कब से ही चलता रहा, ये लोगों